नमस्कार, मेरा नाम गायत्री शर्मा है और मैं ज्योतिष आचार्य और वास्तु शास्त्री हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो है वास्तु। वास्तु के बारे में आज के टाइम में सबको क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई है कि सब जानना चाहते हैं कि वास्तु अनुसार वो अपना घर कैसे बनाएं और क्या ऐसा करें जो वास्तु दोष उनके घर में ना आए। पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वास्तु दोष से बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वास्तु बहुत बड़े प्लॉट में होता है। अगर आप छोटा प्लॉट बनाते हैं तो वास्तु दोष आ ही जाता है उसमें। तो वास्तु दोषों से बचने की कोशिश कीजिए, पूर्ण वास्तु अप्लाई करने की कोशिश आप मत करिए, या घर बनने के बाद भी कोशिश करिए कि जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ वैसे चेंजेस हो सके आपके लिए। क्योंकि सबसे पहले मैं जो डिस्कशन कर रही हूँ वो डिस्कशन कर रही हूँ पूजा घर के लिए। पूजा घर आप बड़ी आसानी से कहीं भी शिफ्ट या चेंज कर सकते हैं। पूजा अगर देव आपके खुश है, अगर आपके देवता आपके खुश है, आपके लिए पूजा स्थान आपके घर में अगर सही दिशा में जगह में रखा हुआ है या बना हुआ है तो वो आपको हमेशा लाभ पहुंचाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जिसके साथ भगवान होता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो पूजा घर जो आपका होना चाहिए वो ईशान कोण में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार ईशान कोण को बड़ा सिंप्लीफाई मैं आपके लिए कर देती हूँ। उत्तर पूर्व दिशा में आपका पूजा घर होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व कॉर्नर में पूजा घर होने के कारण वास्तु का सबसे पहला दोष या होने वाले बाकी दोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात दूसरी बताती हूँ, उत्तर पूर्व में अगर आप नहीं बनाते तो दक्षिण पूर्व में कभी भी वास्तु मतलब पूजा घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा वास्तु दोष आपके लिए हो जाता है या आपको कष्ट पहुँचा देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है, जो घर में जो स्वामी होता है, जो घर में जो जो भी उसका घर का मालिक होता है या जो मुखिया होता है, उसका बेडरूम कहाँ होना चाहिए? उसका बेडरूम होना चाहिए आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण दिशा में भी हो सकता है उसका बेडरूम। दक्षिण दिशा में होने से भी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है, सबसे पहले उसको आती है और वो आसानी से उसका सामना भी कर सकता है, क्योंकि वो घर की ढाल होता है, घर की मजबूती होता है। तीसरा मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रही हूँ, रसोई घर। रसोई घर किसी भी घर की नींव होता है। रसोई घर होने से ही उसमें जितने भी खाना बनाना होता है या स्त्रियों का उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर रसोई घर आपका सही दिशा में नहीं बना होता तो उसका सबसे माइनस पॉइंट आपकी स्त्रियों को झेलना पड़ता है कि वो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं का सामना करती हैं या वो इरिटेट रहती हैं या रसोई घर में जाने का उनका मन नहीं करता। तो रसोई घर आप ध्यान रखिए कि दक्षिण पूर्व दिशा में बनाइए। आपको दो तीन चीज़ें मैं आपको महत्वपूर्ण बताती हूँ। अगर सारे वास्तु आप अप्लाई नहीं कर सकते तो आप मंदिर जो कि कहीं भी आप रख सकते हैं, एक किसी देवी देवता या एक देव का भी फोटो रख के आप मंदिर बना सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि घर का जो ईशान कोण है उसमें कोई भी फोटो किसी देवी देवता की लगाइए, जिससे आपको उसका वास्तु दोष ना हो। दूसरी चीज़, घर के वास्तु में आप दो ही चीज़ों का मेनली ध्यान रखिए कि बाथरूम और किचन आपका सही दिशा में बना होना चाहिए, क्योंकि उनके सही दिशा में ना बना होने के कारण आपको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है वास्तु के अनुसार। तो वास्तु का जो तीसरा नियम आपको बताया मैंने आपको कि रसोई घर जो होना चाहिए वो आपके आग्नेय कोण में होना चाहिए, जो कि दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब बात करते हैं हम स्नान घर की। स्नान घर मतलब बाथरूम या वॉशरूम, उस वो आपका होना चाहिए पूर्व दिशा के अंदर। पूर्व दिशा के अंदर अगर वॉशरूम रहता है तो आपके लिए अच्छा रहता है। भोजन कराने का जो स्थान होता है वो पश्चिम दिशा आपके लिए होना चाहिए। भोजन जहाँ पे बैठ के आप करते हैं या जो आपका डाइनिंग एरिया होता है वो आपका पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपका भंडार गृह होना चाहिए, जो आपका स्टोर रूम होना चाहिए, वो स्टोर रूम आपका होना चाहिए उत्तर दिशा में। आप किसी भी तरह का कुछ भी रखते हैं वो स्टोर रूम, चाहे आप कपड़े रखते हैं, चाहे आप खाने की चीज़ें रखते हैं या आप पुरानी कुछ चीज़ें रखते हैं जो कि कभी आपकी यूज़ आती हैं। अच्छा, वास्तु में इस बात को अगर मैं टॉपिक को छेड़ रही हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वास्तु का सबसे बड़ा दोष तब उत्पन्न हो जाता है जब आप घर में फालतू की यूज़लेस चीज़ें या कबाड़ा जमा करके रखते हैं। तो कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ें जो आपको भविष्य में भी कभी यूज़ नहीं होने वाली हैं उन चीज़ों को प्लीज़ आप अपने घर में ना रखें। भोजन कराने का स्थान भी पश्चिम दिशा होना चाहिए और भंडार गृह का उत्तर दिशा होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको शौचालय बताना चाहती हूँ। शौचालय होना चाहिए आपका दक्षिण और पश्चिम दिशा में। शौचालय के साथ साथ इसमें आप सेप्टिक टैंक अगर घर में कंस्ट्रक्शन कराते हैं उसका तो वो भी दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक खासियत एक और चीज़ बताती हूँ, ब्रह्म स्थान में कभी भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान का मतलब होता है घर का खुला पार्ट, जिसको हमने कवर तो किया हुआ है पर उसमें कोई रूम का नाम उसे नहीं दिया हुआ है। तो वो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो भी तो भी वहाँ पे सेप्टिक टैंक बनाने से आप बचें। उसके बाद अध्ययन कक्ष, अध्ययन कक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आपके बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं।
वो ईशान में होना चाहिए। ईशान का मतलब है कि आपके उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर ये 1% आपका उत्तर पूर्व दिशा में नहीं हो पाता या पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि आपके बच्चों का जो स्टडी टेबल है उसका फेस या तो उत्तर हो या पूर्व हो, तो भी आपके लिए इतना नुकसानदायक नहीं होता। जो आपकी बैठक होनी चाहिए जो वो होनी चाहिए आपकी पूर्व दिशा में, और जो पशु घर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका वाल्लभ्य कोण में, मतलब उत्तर और पश्चिम दिशा में। वाल्लभ्य कोण जो वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण कोण होता है, क्योंकि इस कोण को हवा का कोना भी कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ से हवा पास होती रहे। तो अगर आप पशु घर नहीं बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, तो वहाँ पे खिड़कियाँ जरूर बनवाएं जिससे आपका वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा रहे। चौक और खुला स्थान जो होना चाहिए घर के मध्य में होना चाहिए, घर के बीचों बीच में। जो मैंने आपको भ्रम स्थान बोला है, चौक बोला है या खुला स्थान होना चाहिए, वो घर के बीचों बीच होना चाहिए। जो बिजली का मीटर है या आपका इन्वर्टर है या आपका कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी बड़ा आइटम है, वो आपके अग्नि कोण में होना चाहिए, आपकी दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जल के लिए अगर आप अपने घर में बोर कराने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसे ईशान कोण में कराएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पानी की अगर टंकी आप बनवाने जा रहे हैं, तो वो नैऋत्य कोण में, मतलब दक्षिण और पश्चिम दिशा में आप बनवाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सीढ़ियाँ भी नैऋत्य कोण में, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में बनवाते हैं तो अच्छा रहेगा। तेल और घी का जो भंडार आप बनाते हैं, वो दक्षिण दिशा में, मतलब आग्नेय कोण में बनवाना चाहिए आपको। ये आप शॉप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तेल या घी के व्यापारी हैं, तो आप दक्षिण पश्चिम दिशा में स्टोर करके उन चीज़ों को रख सकते हैं। अविवाहित संतान, कितनी बार क्या होता है, कितने लोग ऐसे आते हैं जिनकी कन्याओं के लिए अच्छे वर नहीं मिल रहे हैं या वो बड़े परेशान हो रहे हैं, तो आपको जो उनको सोने का स्थान देना चाहिए वो उत्तर पश्चिम दिशा में देना चाहिए। ये चलेमान दिशा होती है, मगर इस दिशा में सोने से जो बच्चों की शादियों के जल्दी योग बनते हैं। विचारणीय कक्ष, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप लिविंग रूम जिससे बोल सकते हैं, या जहाँ बैठ के आप अपने घर के डिसीजंस लेते हैं या बात करते हैं, वो आपका वाल्लभ्य कोण में होना चाहिए। क्योंकि इससे अगर उस समय कोई वाद विवाद भी होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो नहीं टिकता, आपके मन में कोई भी दूरी नहीं लाता, वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता है। टीवी और विद्युत जो करण होते हैं, उपकरण जो होते हैं, वो कक्ष के अग्नि कोण में होना चाहिए। ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आप टीवी लगा रहे हैं, तो उस कमरे का आप देखिए कि अग्नि कोण कौन सा है। क्योंकि घर के तो जो अग्नि कोण है, जो दक्षिण पूर्व दिशा है, उसमें हमने किचन बना लिया है, पर अभी हमें टीवी लगाना है, तो हमें ये देखना है कि उस रूम का अग्नि कोण कहाँ पर है, वहाँ पे आप टीवी लगाइए अपना। कक्ष में वजनदार सामग्री आपकी नेतृत्व कोण में होनी चाहिए, मतलब कोई भी आप भारी चीज़, भारी अलमारी, कोई ऐसा बेड आप रख रहे हैं, तो नेतृत्व कोण में रखिए उस कक्ष के, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। धन रखने की जो अलमारी होनी चाहिए वो आपकी दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, और जो उसका मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पानी का निकास होना चाहिए, जो ड्रेनेज सिस्टम आपका जो होना चाहिए पूरे घर का, वो ईशान कोण में होना चाहिए। बेसिकली मैंने वास्तु के आपको सारे ही नियम बता दिए हैं, जिससे वास्तु करते टाइम या घर बनाते टाइम आपको वास्तु से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। आप इस बात का ध्यान रखिए, वास्तु आप सारा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो मानसिक तनाव में आ जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वास्तु में दो मुख्य चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कि आपकी किचन और आपका बाथरूम कहाँ बन रहा है। थैंक यू।